सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को, और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे डुअल अकाउंट के बारे में। जब भी हम लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक मैसेंजर चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, या इस तरह का कोई भी मैसेजिंग ऐप चलाते हैं, या कोई भी सोशल नेटवर्किंग ऐप को जब हम लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे व्हाट्सएप चला रहे हैं तो एक हमारा ऑफिशियल नंबर होता है जिसपे व्हाट्सएप चलाते हैं, एक अपने पर्सनल नंबर से या किसी दूसरे नंबर से व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? एक ही मोबाइल में दो अकाउंट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कैसे दो अकाउंट को एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐप की मदद से दिखलाऊंगा कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी से दो अकाउंट एक साथ, दो एप्लीकेशन एक साथ एक मोबाइल में रन करा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें और सीखें कि किस तरह से हम लोग दो अकाउंट को एक मोबाइल में एक ऐप की मदद से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इस तरह का वीडियो पहुंचे, इसके लिए आप इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो बनाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं दिखलाता हूँ आपको किस तरह से हम लोग दो अकाउंट एक ही मोबाइल में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, हमारे ये पैरेलल स्पेस का ऐप है जिसकी मदद से हम लोग दो अकाउंट को एक ही मोबाइल में एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखला दूँ कि मैंने ऑलरेडी एक फेसबुक मैसेंजर यहाँ इंस्टॉल कर चुका है अपना, जिसमें मैं अपना यूज़ करता हूँ अभी। और उसके अतिरिक्त एक और अकाउंट इसी मोबाइल में मैं एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं पैरेलल स्पेस जो हमारा ऐप है इसकी मदद से हम लोग ये काम करेंगे। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग पैरेलल स्पेस को। ये हमारा अकाउंट पैरेलल स्पेस का ऐप ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों को ऐड ऐप में जाकर जिस ऐप को हम लोग चाहते हैं अकाउंट उसका बनाना पैरेलल, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे उस ऐप को ऐड करना होगा। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आपके मोबाइल में जितना भी ऐप होता है वो सारा यहाँ पे शो करता है। आप जिसका भी चाहें इस पैरेलल स्पेस के माध्यम से आप उसका डुअल ऐप बना सकते हैं या क्लोन ऐप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर का डुअल ऐप बनाकर दिखलाता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है फेसबुक मैसेंजर को, इसको ऐड टू पैरेलल स्पेस क्लिक 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 करेंगे और यहाँ पे हमारा ये फेसबुक मैसेंजर आ गया। अब इसको हम लोग सिंपली, जैसे आमतौर पे हम लोग फेसबुक को एक्टिवेट करने के लिए उसमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम लोगों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो चलिए देख लीजिए, ये हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड से एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स से है इसको हम लोगों को कर लेना होता है। इस तरह से आप देखिए कि हमारा यहाँ पे एक नया अकाउंट खुल गया है फेसबुक का। यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली अपना चैट करना चाहें, मैसेज देना चाहें, तो यहाँ से ये काम हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ही मोबाइल में दो ऐप का इस्तेमाल, दो सेम ऐप का इस्तेमाल अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग मोबाइल नंबर से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसका इस्तेमाल हम लोग दो अकाउंट को ये चलाने के लिए एक ही मोबाइल में, दो नंबर से व्हाट्सएप चलाने के लिए एक ही मोबाइल में कर सकते हैं। पैरेलल स्पेस में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना ऐप को चाहें
उसका डुअल अकाउंट बना सकते हैं, दो ऐप को एक ही मोबाइल में इसके माध्यम से चला सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।